वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीम द वॉल्फ बॉय, जो कि क्लास 6 आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस के हैं। इसका पार्ट टू वीडियो ये है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वरना आप क्लास 6 के प्लेलिस्ट से जाकर के अपने चैप्टर देख सकते हैं। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ से आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी कहानी। तो क्या हुआ था कि जैसे कि मैंने बताया था कि बड़ा भाई तो चला गया दोनों को छोड़ करके, भाई बहन को, बहन ने सारी जिम्मेदारी अच्छे से उठा ली थी, लेकिन वो भी जिम्मेदारी को निभाते निभाते दवाई दारू मतलब सब कुछ राशन पानी सब पूरा करते करते क्या हुआ ना कि वो भी बहुत ज़्यादा उब गई। अब जाहिर सी बात है, दवाई में खर्चा भी लगता है, राशन पानी लाने में मेहनत भी लगता है, और फिर पूरे दिन घर के काम करना, तो वो भी थोड़ा बहुत उब जाती है ये सब करके। अब उसको लगता है कि उसको भी नए दोस्त बनाने हैं, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है और देखना है बाहरी दुनिया की कैसी है दुनिया, यहाँ रह के उब चुकी है वो भी। तो वो क्या करती है कि छोटे भाई को बोलती है कि मैं ना बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी, हाँ मैं जा रही हूँ तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढने के लिए। तो बच्चा भी कहता है कि ठीक है, उसको लगा कि शायद ढूंढने जा रही है ना बड़े भाई को, उसने हाँ कर दिया। तो बहन ने क्या किया कि जो राशन पानी वगैरह होता है ना, राशन का सामान दवाई दारू सब ला करके रख दिया, उसका जो दवाई वगैरह मेडिसिन जो होते हैं ना वो सब ला करके उसने रख दिया बहन ने। अब रखने के बाद उसने क्या किया कि वो छोड़ करके चली गई। अब वो चली गई बाहर और बाहरी दुनिया में उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए बाहर। जब वो यहाँ से दूर गई तो शहर में जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं उसको वो दुनिया अच्छा लगने लगा। जाहिर सी बात है, जहाँ चहल पहल हो वहाँ किसी का भी मन लग जाएगा। लेकिन वो भूल गई कि वो एक बीमार भाई को भी छोड़ करके आई हुई है, और उसने बिल्कुल इस चीज़ को भुला ही दिया और वो अपनी दुनिया में मस्त हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई, राशन पानी जो भी था सब ख़त्म हो गया, और बच्चा जो था वो भूख से तड़पने लगा। तो अब भाई वो क्या करे, इंतज़ार भी किया उसने, क्योंकि बहन, एक बात और बता दूँ कि बहन उससे ये बोल के गई थी कि तुम यहाँ से बाहर कहीं मत निकलना जब तक मैं ना आ जाऊँ, और तुम यहीं पर रहना, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इंतज़ाम करके रख दिया है घर में ही। तो वो बच्चा भी क्या करता है, इंतज़ार करता है। अब लेकिन नहीं आती है, जब दवाई वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, राशन पानी सब ख़त्म हो जाता है, तो वो बच्चा क्या करता है कि बाहर निकल जाता है खाने की चीज़ों की तलाश में। तो वो ऐसे ही कुछ समय तो वो बेरीज वगैरह होते हैं ना पेड़ वगैरह से तोड़ करके खा लेता है, लेकिन ठंडी का मौसम जब आता है तो क्या होता है कि वो सब ढक जाते हैं, और वो अब उसके पास वो भी नहीं होता है कि वो जा करके वो भी खा सके। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो एक भेड़िए वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग जब खाना खाते हैं तो वो क्या करते थे भेड़िया, कि वो मतलब खाने के बाद जो बचा कुचा रहता था ना वो छोड़ के अपना चले जाते थे। तो इस बच्चे ने देखा, तो अब ये क्या करने लगा कि हमेशा क्या करता था कि जो भेड़िए खाते थे ना, जो खा करने के बाद जो छोड़ देते थे उसको ये जा करके खा लेता था। तो अब उससे इसका पेट भी भर जाता, अब खाने के लिए कुछ नहीं है तो जो मिलेगा वो खा लेगा ना इंसान, तो वैसे ही वो खा करके उसी से पेट भर लेता था अपना। अब थोड़े समय बाद ऐसा ऐसा होते होते क्या हुआ कि भेड़ियों ने भी नोटिस किया कि एक बच्चा है जो कि आकर के हमारा छोड़ा हुआ खाना खाता है। तो उन लोगों ने भी अपनी एक आदत बना ली कि वो क्या करते थे कि जब भी खाना वगैरह खाते थे ना, मतलब अपना जो भी मांस वगैरह खाते थे, तो वो क्या करते थे, थोड़ा सा उसके लिए बच्चे के लिए छोड़ दिया करते। तो उसने एक तरह से अपने साथियों की तरह ही उसको भी हिस्सा मान लिया, साथी मान लिया, और उसके लिए भी छोड़ा करते थे बच्चे के लिए, बच्चा भी खा लिया करता था। लेकिन अब क्या हुआ, मौसम चेंज होने वाला था और उन लोगों को, वो लोग तो सब मूव करते हैं ना, जगह जगह अलग अलग जाते हैं अपने मौसम अपने सुविधा के हिसाब से, तो अब समय आ गया था उनके जाने का। अब बच्चा क्या करता, अगर वो चले जाते तो बच्चे को खाना पीना कौन देता, कहाँ से मिलता। तो उनके जब जाने का समय हुआ ना, तो बच्चे ने क्या किया कि उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, उस भेड़िए के, उन भेड़ियों के झुंड के पीछे पीछे ही वो भी उनके साथ चला गया, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं उसके पास, और वो क्योंकि घर से निकल चुका था तो उसको ये भी नहीं पता था कि घर कैसे जाना है अपने वापस, तो वो उनके भेड़िए के पीछे पीछे ही चल देता है वहाँ से। अब वो क्या करता है, अब वो लोग एक जंगल में चले जाते हैं, वहाँ वो उसके साथ ही रहने लगता है वो बच्चा, और वही जो खाना खाते थे छोड़ते थे तो वो भी खाता था, और बिल्कुल उनकी साथी की तरह रहने लग जाता है। एक दिन क्या हुआ कि वो जिस एक टापू पे थे, जंगल में था, और वहाँ पे एक टापू था थोड़ी दूर जाकर के, मतलब तालाब टाइप का होता है ना, नदी टाइप का, बहुत बड़ा समुद्र टाइप का था। तो उसमें क्या हुआ ना कि उसका जो बड़ा भाई था ना वो आया हुआ था, जैसे होता है ना कि लोग फिशिंग करने या घूमने फिरने चले जाते हैं, उस तरह से बड़ा भाई उसी टापू पे, उसी आइलैंड पे आया हुआ था, जिस आइलैंड के पास के जंगल में ये रहते थे भेड़िया और ये छोटा भाई। तो क्या हुआ कि वो फिशिंग कर रहे थे, तो अब इस वक्त ये गाना गा रहा था, एक ये गाने में ये चीज़ें बोल रहा था कि जो मेरे सबसे करीबी थे, जो मेरे लिए मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया, ठुकरा दिया, लात मार दिया। मेरे माता पिता ने इतने प्यार से समझाया कि ध्यान रखना मेरा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने
उनकी एक ना सुनी और मुझे ऐसे ही छोड़ करके, मेरे भाई बहन मुझे छोड़ करके ऐसे चले गए। अब उसने जब वहाँ से आवाज़ सुनी तो वो भी सोचा कि भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है, और वो भी समझ गया कि उसका भाई, उसके भाई की ही आवाज़ है, उसने ये भी पकड़ लिया। अब वो वापस दौड़ करके अपना वो फिशिंग विशिंग कर रहा था ना जो आइलैंड पे, तो छोड़ करके भाग के आया जंगल की तरफ देखने के लिए कि भाई कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर उसने देखा कि एक बच्चा है, और वो बच्चा बार बार यही बोल रहा था कि मेरे जो अपने, अपने तो मुझे छोड़ गए लेकिन मुझे जो सहारा दिया इन भेड़ियों ने सहारा दिया, और अब मैं इन भेड़ियों की जैसा ही होने वाला हूँ, होता जा रहा हूँ, मैं बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि इंसान से कहीं ज़्यादा अच्छे तो ये जानवर हैं, ये भेड़िए हैं। अब वो क्या कर रहा, धीरे धीरे उसका जो शरीर था ना एक भेड़िए में बदलता जा रहा था उस बच्चे का। अब वो दौड़ करके आता और ये बोलता भी है उसको बड़ा भाई कि नहीं नहीं मुझे, हमें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे छोटे भाई, ऐसा नहीं है, अब ध्यान रखूंगा, तो मैं लेके चलूंगा। लेकिन वो नहीं सुनता है कुछ भी, वो वहाँ से क्या करता है कि भागने लगता है और तेज़ी से अपने आप को चेंज करना शुरू करता है, भालू में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है और फास्ट करने लगता है। पहले तो धीरे धीरे चेंज हो रहा था, थोड़े बहुत बाल वाल आ रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से वो जल्दी जल्दी चेंज होने लगता है भालू में। और वो वहाँ से भाग रहा होता है कि नहीं, अब वो उस दुनिया में नहीं जाने वाला है वापस, जहाँ की उसके अपनों ने उसे ठोकर मारा, इस तरह से भूखे तड़पता छोड़ करके चले गए। और वो वहाँ से भाग रहा था और भागते भागते उसका जल्दी जल्दी शरीर चेंज होता जा रहा था, और वो यही कह रहा था कि मेरे भाई बहन जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया, और अब मैं भेड़िए में बदलता जा रहा हूँ। और आगे चल करके धीरे धीरे भागते भागते उसने बहुत जल्दी से अपने आप को भेड़िए में पूरी तरह से बदल लिया। और ये जो बड़ा भाई था ये चिल्लाता रह गया, माफ़ी मांगता रह गया, लेकिन उसने इसके गिरगिराने पे माफ़ नहीं किया, और वो वहाँ से भागता भागता चला गया और पूरी तरह से वो भेड़िए में बदल गया। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं एक भेड़िया हूँ, ये बोल करके यहीं पे कहानी जो है ख़त्म हो जाता है। तो कैसी लगी कहानी नीचे कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।